हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एआई का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका क्या रोल है एग्रीकल्चर में, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आज हम थोड़े इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम आज सीखने वाले हैं, हम ये सीखेंगे कि क्या रोल है एग्रीकल्चर का एआई में, और पोटेंशियल क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, और एंड में हम इसको कंक्लूजन में जाएंगे कि ओवरऑल हमने क्या सीखा इस सब चीज़ों से और उसका क्या कंक्लूजन है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा पावर्ड सिस्टम है जो कि आईओटी के माध्यम से जितने भी प्रकार के एग्रीकल्चर डिसीजंस होते हैं उसको प्रेडिक्ट करने में और समझने में मदद करता है। कि एक डेटा हम क्रिएट करते हैं, जो भी फील्ड से हमें आता है उसको हम समराइज करते हैं, और उसमें हम एक जो आउटपुट आता है उससे हम एक डिसीज़न प्रेडिक्ट करते हैं और एक डिसीज़न लेते हैं, और वो डिसीज़न एक मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ होता है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। तो हम पहला जो रोल है वो है प्रिसीजन फार्मिंग का। हम समझेंगे कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है। प्रिसीजन फार्मिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कम से कम लागत में, कम से कम इनपुट में हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फील्ड है, फील्ड में बहुत जगह जब हम स्प्रेइंग करते हैं या फिर हम इरिगेशन करते हैं तो बहुत जगह टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर कंटेंट कम या ज़्यादा होता रहता है। तो जब हम स्प्रेइंग या फिर हम इरिगेशन करते हैं तो हमें ये ज़रूरत है कि जहाँ पे कम मॉइस्चर कंटेंट है हम वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन करें, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पे कम इरिगेशन करें। तो हम इसके बारे में थोड़ा और आगे समझेंगे। क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डिजीज डिटेक्शन सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है किसी भी चीज़ में, और उस डेटाबेस में हमें पता है कि अगर पत्ते में इस प्रकार का डीके या सड़ा हुआ है तो इसको ये बीमारी है। तो हम उस डेटा को समझ करके जो हमारे फ्यूचर जो एसिड बीमारियां हैं हम उसको इसके इमेज इन प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा हम उसको ईजिली समझ पाते हैं और हम पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार की बीमारियाँ इस पत्ते में या फिर किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर क्रॉप में हो रही हैं। हम बात करेंगे कि अब रोबोटिक्स हार्वेस्टर में फार्म मशीनरी बहुत एडवांस हो गया है और बहुत मुश्किल हो गया है कि एक स्किल्ड लेबर पाना, खासकर जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो और विदेशी कंट्री हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, जर्मनी एंड हंगरी टाइप के जो देश हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो स्किल्ड लेबर हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए फार्म मशीनरी के अलावा एक रोबोटिक सिस्टम आया है जिसमें बहुत सारे सेंसर्स और आईओटीज लगे होते हैं जो कि सेंस कर सकता है कि कहाँ से कौन सा फल हमें पिक करना है, किस किस रो क्रॉप कल्टीवेशन में हमें चलना है। तो एक उसको हम कोड कर देते हैं और एक आइडिया लगा पाता है और पूरा एक ह्यूमन सेंसिटिविटी के साथ काम करता है। स्मार्ट इरीगेशन, जैसा कि मैंने बात किया था कि स्मार्ट इरिगेशन मॉइस्चर कंटेंट को चेक करता है और जितना भी रिक्वायरमेंट होता है सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट का उसको हम वो पूरा करता है। हम सोच सकते हैं जैसे कि एक पौधा है और पौधे में हमें 30% सेचुरेटेड डेंसिटी या मॉइस्चर कंटेंट हमें चाहिए होता है। जैसे धूप आता है, जैसे ही मॉइस्चर सेचुरेटेड डेंसिटी कम होता है 30% से, मोटर ऑन हो जाएगा। आप जैसे ही वो सेंस करेगा कि लेस देन 30% जा रहा है और इरिगेशन वाटर्स में आने लग जाएगा। जैसे ही 30% सेचुरेटेड डेंसिटी पूरी होगी वो मोटर रुक जाएगा। तो कैसे हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट इरिगेशन में? तो ये टेक्निक ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकल इरिगेशन में और जनरली राइस कल्टिवेशन और शुगर केन कल्टिवेशन में यूज़ हो सकती है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जैसा कि मैंने बात किया, हम जो भी कुछ एग्रीकल्चर में देखते जा रहे हैं एक किसान को आइडिया होता है कि इसके बाद ये होने वाला है, लेकिन उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, राइट? हम उसको क्लियर एक हम विस्तारित फॉर्म में नहीं समझ पाते हैं। तो
इतने सारे एग्रीकल्चर इंसिडेंट होते हैं, तो उसका डेटा रखना, उस डेटा को समराइज करना और एक डिसीजन ले लेना को ही हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। तो जनरली ये डेटा बेसिस डेटा ओरिएंटेड रहता है और किसी भी चीज़ किसी भी प्रकार के फोरकास्ट में काफ़ी मदद करता है। जैसे एक प्रकार की ज़मीन है और इसमें हम अगर प्रेडिक्ट करना है कि कितना यील्ड होगा इस बार, तो हम लास्ट के 10 साल का डेटा हम निकालेंगे और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कि इसमें क्या नेक्स्ट क्रॉप यील्ड होने वाली है। तो जितना हमारे पास डेटा होगा, जितने लॉन्ग पीरियड का डेटा होगा, उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट्स है एग्रीकल्चर में। तो जैसा कि इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड होता है, जैसे कि अगर हमें पता हो कि कितना इनपुट चाहिए होगा और हम एनालिसिस कर पाएंगे कि क्रॉप यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कितना प्लांटिंग सीड चाहिए, कितना इरिगेशन चाहिए, कितना फर्टिलाइजेशन चाहिए, तो अगर हमारे पास इस चीज़ का आइडिया पहले से होगा तो इसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है क्रॉप यील्ड में। रिड्यूस कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जब आइडिया होता है कि मिनिमम कितना हम इनपुट डालें कि मैक्सिमम आउटपुट आ जाता है, तो जैसे कि इरिगेशन की बात करें तो हमारा पानी कम लगता है, सीड की बात करें तो सीड कम लगता है, और बीज बहुत सारे जो इनपुट्स हमारे लगते हैं वो हमारे ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, तो इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है ओवरऑल और कास्ट लाइक फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने बात किया कि जितने भी प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वो डीजल पावर या NOx या सल्फर ऑक्साइड पावर्ड नहीं होते हैं, ये टोटली डिजिटल पावर्ड होते हैं, टोटल DC करंट से चलते जितने भी IoT इक्विपमेंट्स हैं, तो इसका इन्वायरमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। चैलेंजेस की बात करें तो ऑफकोर्स बहुत सारे ये टेक्नोलॉजी है वो नई है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, सेंसर्स महंगे आते हैं, तो थोड़ा सा इनिशियली कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगता है इनिशियल इंस्टॉलेशन में। अगर हम बात करें कि ऑटोनोमस ट्रैक्टर या प्रिसीजन फार्मिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, अगर हम इसको अटैच करें तो काफ़ी महंगे होते हैं। डेटा अवेलेबिलिटी, जैसा कि हमारे पास जितने भी प्रकार के एग्रीकल्चर इंसिडेंट हुए हैं उसका डेटा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, तो मेन चीज़ है हमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए उस डेटे का रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास वो डेटा ना होने की वजह से हम बहुत सारे वो डिसीजन मेकिंग में लैग करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है डेटा अवेलेबिलिटी। तीसरा एक्सेप्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो फार्मर्स में अभी इसको लेके अवेयरनेस नहीं है, फार्मर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम किसी भी फार्मर से बोलते हैं कि आप प्रिसीजन फार्मिंग का टेक्निक का यूज़ करिए, आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस का यूज़ करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, तो खासकर इंडियन किसानों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि वो मोस्टली ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही बिलीव करते हैं और इसको लाइक डिप्लॉय करने के लिए थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहता है, तो फार्मर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इसको जनरली। कंक्लूजन की बात करें कि हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए और कुछ गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए कि हम कैसे NOx SOx और जो भी फार्मर का कॉस्ट उसको प्रॉफिट में बदलने के लिए हमें कुछ सब्सिडाइज इनिशिएटिव लेने चाहिए और इसको समझना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और स्कूल कॉलेजेस में भी जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं उसको समझाना चाहिए, मतलब उसकी थोड़ी बढ़ावा देनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत और शुक्रिया। थैंक यू।